इधर सपा नेता सुनील सिंह साजर ने 3 दिवसीय गोरखपुर महोत्सव को लेकर सवाल उठा दिए हैं। उन्होंने कहा कि महोत्सव के नाम पर सरकार जनता के करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि सपा के समय में सैफई में जो महोत्सव आयोजित होता था उसमें सरकार का नहीं बल्कि मेला समिति पैसा करती थी और भाजपा के लोग सैफई महोत्सव से गोरखपुर महोत्सव की तुलना कर रहे हैं जो कि बेबुनियाद है। तो गोरखपुर महोत्सव का आयोजन इस वक्त चल रहा है। बीजेपी के नेता और बीजेपी सरकार दोनों सैफई महोत्सव को लेकर के लगातार भ्रम फैलाते हैं, क्योंकि सैफई महोत्सव सरकारी महोत्सव नहीं था। सैफई महोत्सव जो मेला समिति थी, जहां सैफई के लोग, आसपास के लोग उस समिति में थे, उस समिति आयोजन कराती थी। हाँ, जब समाजवादी पार्टी की सरकार होती थी तो सरकार का सांस्कृतिक विभाग जरूर कुछ कार्यक्रम कराता था, लेकिन जो बाकी पूरा महोत्सव था वो समिति कराती थी। अब ये तुलना कर रहे हैं गोरखपुर में जो पैसा सरकारी बहाया जा रहा है, उस पैसे की तुलना वो सैफई से कर रहे हैं। और अब खबर बहराइच से है, जहां फसल नुकसान को लेकर दो पक्षों में मारपीट हो गई और दोनों तरफ से जमकर लाठी डंडे चले हैं। मारपीट में 6 लोग घायल हो गए हैं, सभी अस्पताल में भर्ती हैं। आपको बता दें कि खेत में पशु जाने की वजह से इन दोनों पक्षों में विवाद हुआ था। कोतवाली देहात इलाके के माधव रेती का यह मामला बताया जा रहा है। तो मारपीट में 6 लोग घायल है, सभी को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। खेत में पशु जाने की वजह से इन दोनों पक्षों में ये विवाद हुआ था, जिसके बाद देखते देखते विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों तरफ से जमकर लात घूसते चले, लाठी डंडे चले और 6 लोग इस मारपीट में घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। कोतवाली देहात इलाके के माधव रेती का ये पूरा मामला है। तो बहराइच फसल नुकसान को लेकर दो पक्षों में ये मारपीट हुई, विवाद हुआ, दोनों तरफ से जमकर लाठी डंडे चले, जिसमें दोनों तरफ से 6 लोग घायल बताए जा रहे हैं। खेत में पशु जाने की वजह से इन दोनों पक्षों में विवाद हुआ था। और अमरोहा पुलिस ने 10,000 के नामी गैंगस्टर को गिरफ्तार किया है। गैंगस्टर से आरोपी रिजवान को चाकू के साथ गिरफ्तार किया है। अमरोहा पुलिस ने इनामी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। अमरोहा के थाना रहरा का ये मामला बताया जा रहा है। 10,000 का इनामी बदमाश है, जिसे गिरफ्तार किया है। गैंगस्टर के आरोपी रिजवान को चाकू के साथ पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अमरोहा पुलिस ने इस इनामी को हालांकि गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। थाना रहरा का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। दो बड़ी खबर अमरोहा से, 10,000 के नामी गैंगस्टर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। रिजवान इसका नाम बताया जा रहा है, जिसे चाकू के साथ गिरफ्तार किया है और अमरोहा पुलिस ने इसे गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।